मध्य प्रदेश के सागर से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 12वीं के एक स्टूडेंट ने अपनी मार्कशीट में एक नंबर बढ़वाने के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड को हाई कोर्ट में घसीटते हुए 3 साल तक केस लड़ा। इस स्टूडेंट का नाम शांतनु शुक्ला है और ये सागर जिले के कबीर मंदिर के पास परकोटा का रहने वाला है। शांतनु ने 2018 में जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसके बाद कोरोना की मार के कारण उसके केस की सुनवाई समय पर नहीं हो पाई। हाई कोर्ट ने इस दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 6 नोटिस भी भेजे, लेकिन कोई भी नुमाइंदा इस दौरान कोर्ट नहीं पहुंचा, लिहाजा ये केस 3 साल तक चलता रहा। इस केस के दौरान शांतनु की कोर्ट में 44 पेशियां भी हुई। वहीं इस केस को लड़ने में स्टूडेंट के 15,000 रुपए भी खर्च हुए। बताया जा रहा है कि शांतनु 74.8% नंबरों से पास हुए थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें 75 से 80% के बीच मार्क्स मिलेंगे। रिजल्ट में एक नंबर कमाने के चलते उन्हें ओवरऑल 75% नंबर भी मिले, जिसकी वजह से शांतनु अब मुख्यमंत्री मेधावी योजना का लाभ पाने से रह गए और इसी वजह से उन्होंने रीटोटलिंग के लिए भी अप्लाई किया। जब रीटोटलिंग के बाद भी नंबर नहीं बढ़े, तब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल को दोबारा नंबरों की जांच करने के आदेश दिए। बता दें कि अभ्यर्थी ने साल 2018 में जबलपुर हाई कोर्ट के वकील रामेश्वर सिंह की अगुवाई में पिटीशन दायर की थी, लेकिन कोविड के चलते 2 सालों तक जब इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर हाई कोर्ट ने एमपी बोर्ड को 6 नोटिस जारी किए, लेकिन वहां से भी पक्ष रखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। पूरे मामले में शांतनु को कोर्ट में करीब 44 बार पेश होना पड़ा। आखिरकार कॉपी रीचेक होने के बाद 21 फरवरी को शांतनु को नई मार्कशीट मिली, जिसमें उसके 80.4% नंबर है, जो कि पूरे 28 नंबर बढ़ने के बाद उसको मिले हैं। अब शांतनु आसानी से मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के लिए आवेदन भर सकेंगे। कानून और संविधान से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें लॉ स्ट्रीट भारत।